संजय मंगला गोपाल एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों के विशेषज्ञ हैं। तब पहली बार मैंने जेपी का नारा सुना, हमला चाहे जैसा होगा हाथ हमारा नहीं उठेगा। और वो पूरा जो अब के जमाने जैसा कोई वीडियो वगैरह तो है ही नहीं, शायद उसकी फिल्म होगी कहीं पर, लेकिन जो पूरा उसका मैंने पटना की मीटिंग का पूरा ब्यौरा बाद में पढ़ा और जिस तरह से लोग जेपी के पीछे लगे थे, और उस दिन पटना में जब बहुत बड़ी रैली हो रही थी तो कहीं पर कुछ हमला हुआ आंदोलन में उस सभा में आने वाले लोगों के ऊपर, और जो मैंने पढ़ा उसके मुताबिक पटना के कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर ने जेपी को मंच के ऊपर एक नोट भेजी कि जेपी जी ऐसा हुआ है, कृपया आप कंट्रोल कीजिए। तो जेपी जी ने नारा दिया कि हमला चाहे जैसा होगा हाथ हमारा नहीं उठेगा। अब यहाँ से सभा से सब लोग सीधे घर पहुंचेंगे और कोई भी उत्तेजना, कोई भी पीड़ा किसी को या किसी भी तरह की जिसको हम कहते हैं हिंसा या ऐसा कोई नहीं करेगा। और उस दिन शांति से पटना शहर के में जमा हुई भीड़ अपने घर में गांव में लौटी, और एक दिन वहां का एक नेता आया और गर्मी में कहा कि चलो आप यहां से निकल जाओ, कल दिखेंगे तो सर तोड़ दूंगा। तो वहां पर जब धमकाया हम लोगों को सर तोड़ देंगे यहाँ नहीं आना, तो हमारे कुछ साथी एकदम जोश में आके सर संजय भाई चलो इनको दिखाएंगे, सबक सिखाएंगे। तो मुझे तब याद आया वो जेपी के सभा का वाक्या, स्टडी सर्कल में जो चल, मैंने कहा अरे ये तो बहुत छोटा मसला है यार, उनका कुछ गलतफहमी हुई होगी, हम उनसे बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, और उनको अगर लगता है हमने नहीं आना है कुछ देर, हम नहीं आएंगे, उनसे बात करने के बाद आएंगे, उसमें क्या है। ये समझ एंड युवा पीढ़ी में भी मुझे आई, क्योंकि स्टडी सर्कल में मेरा एक तैयारी हो चुकी थी सेवा दल की, समाजवाद की, समता की, अहिंसा की, इसलिए मैं उसको शांति से ले सका। और बाद में वो साथी बहुत अच्छे मित्र बने हमारे, हमको सब तरह का मदद वो करते थे। जब उनको पता चला कि ये राजनीति में इंटरेस्ट वाले हमारे वार्ड का टिकट काटने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, तो ये जो साथी थे उनमें कभी भी हिंसा का प्रस्ताव या हिंसक आंदोलन का प्रस्ताव कभी भी मुझे मैंने सुना। तो जिसको आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी और मीन्स के बारे में एकदम क्लैरिटी, सफाई, ये उस ग्रुप में था। लेकिन जब हम गांव में जाते थे, एक्चुअल फील्ड में जाते थे, तो कभी कभार सत्याग्रह करते समय, रैली निकालते समय, मोर्चा निकालते समय पुलिस एकदम सामने आ गई, भिड़ंत हो गई, ऐसा होता है। और ऐसे मामलों में भी मैंने देखा कि वहां पर मेधा बहन हो या अन्य कोई साथी कार्यकर्ता वहां पर फ्रंट पे हो, वो तुरंत साथियों को जेपी ने जिस भाषा में पटना में कहा होगा उसी नीति को अलग किसी भाषा में वहां की लोकल लैंग्वेज में समझाते थे और लोग मान जाते थे। और हम क्रांतिकारी, हमको ऐसा लगता था कि झगड़ा करना है या संघर्ष करना है, तो संघर्ष भी करना है तो प्यार से करो, ये जबरदस्त वहां पर सीख। बोले यू हैव कम फ्रॉम इंडिया, यू हैव कम फ्रॉम गांधीज लैंड, एंड इन ऑल द डिस्कशंस हेंसफोर्थ इन लास्ट 8 days बिफोर 30th November जो भी चर्चाएं सिएटल में होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होगी, वहां पर ये गांधी का मैसेज आपको रखना है, बिकॉज यू बिलोंग टू गांधी लैंड, सो यू आर ऑथराइज टू से दैट, एंड NAPM बिलीव्स इन दिस। उन्होंने सब पढ़ा था NAPM के पत्र, जो शट डाउन WTO का जो नारा था उसमें जो 5 नॉन निगोशियबल्स थे उसमें अहिंसा, हम अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन करेंगे, ये पूरा नॉन निगोशियबल, हर जगह पर मुझे उसको रखने की जिम्मेदारी। अहिंसात्मक आंदोलन इसका मतलब क्या है और उसकी तैयारी कितनी करनी पड़ती है, एक अनोखा दर्शन मुझे सियाटल में उस 8 दिनों में हुआ। हमारा पूरा स्टडी सर्कल, सेशंस विद द लॉयर्स, इफ यू आर अरेस्टेड व्हाट आर योर डेमोक्रेटिक राइट्स इन US एज अ विजिटर टू US, व्हाट यू शुड से, व्हाट यू शुड नॉट से, बिकॉज यू आर नॉन वायलेंट एजिटेटर हियर। लेकिन उसी दिन जितनी भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शोरूम्स या ऑफिसेस सियाटल में थे वहां पर ये अनार्किस्ट लोग पहुंचे, जैसे हम लोग चौराहे पे पहुंचे और पाइपलाइन में हाथ डटकर खड़े थे, ये लोग, ये सब उनका प्लानिंग अलग से चल रहा था, वो लोग ऐसे जगह पर पहुंचे और उसको पूरा तहस नहस कर दिया इन लोगों ने पूरा। और प्रेस में फिर दूसरे दिन वही आया, मेधा का वहां फोन आया मुझे अमरीका में कि संजय क्या हो रहा है वहां पर, कि जब आप हिंसा में उतर आते हैं तो प्रेस को और व्यवस्था को
वो हिंसा की छोटी बात की तरफ उंगली उठाना आसान रहता है, और आपके पूरे किए कर्म पर, इतना जो अहिंसात्मक तरीके से लाखों लोग सियाटल के रास्ते पर उतर आए थे, उस पर वो डाइवर्ट हो गया।